महागठबंधन की सरकार जो जो निर्णय ले रहे हैं उसी को जो है वो लोग अपनाने का काम कर रहे हैं, पूरे जनता के लिए काम कर रहे हैं। हम लोगों का रोड मैप तैयार है, उस रोड मैप के तो माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की जनता का सेवा करने से पीछे नहीं हटते, हमेशा आगे खड़े रहते हैं। अपनाने का काम किया है और ये जो आज डिजिटल का जो शिलान्यास हुआ है, जहां डिजिटली जो है सारी चीजें व्यवस्थित होगी, ये भी सुनने में आ रहा कि नहीं भारत सरकार इसको कंट्रोल करेगी, देखेगी, अपनाएगी। यानी बिहार जो जो फैसला ले रहा है नीतीश कुमार जी, महागठबंधन की सरकार जो जो निर्णय ले रहे हैं उसी को जो है वो लोग अपनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो सब लोग जानते हैं, सब लोग समझ रहे हैं, भले ही कल कुछ लोग, अब भारत की आबादी कितना है, लगभग 100 करोड़ से ऊपर है, वहां 75,000 भारत सरकार नियुक्ति पत्र दे रहा है, बिहार की आबादी लगभग 12 करोड़ है, उसमें हम लोगों का खाली स्वास्थ्य विभागी 1,50,000 नौकरी दे रहा है। तो आप कल्पना कर लीजिए, जहां 12 करोड़ की आबादी है वहां गृह विभाग, अलग अलग माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिपार्टमेंटों को बोला, शिक्षा विभाग जो है लाखों में देने जा रहा है, गृह विभाग पूरे जनता के लिए काम कर रहा है, चाहे किसी समाज के, चाहे अग्रे हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो, दलित हो, महादलित हो, सब लोगों को, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। कोई हमारा भाई पीछे ना रुक जाए, जो अंतिम पैदान पर समाज में जो बैकवर्ड सोसाइटी है उसको भी मेन स्ट्रीम में लाने का हम लोगों का प्रयास है। सब लोगों के लिए विकास जो है वो हम लोगों की सरकार संकल्पित है, सब लोगों का ध्यान माननीय मुख्यमंत्री जी रखते आए हैं, आगे भी हम लोग सब लोग मिलकर के सभी लोगों का ध्यान रखेंगे। और एक के बाद एक, अभी तो 2 महीना कुछ दिन हुआ, अभी आप देखते रहिए, कई काम को हम लोग जो है पूरा करेंगे, कोई काम नहीं बचेगा। और एक तरह से एग्जाम्पल हम लोग सेट करेंगे, जैसे हमने पहले कहा कि बिहार मॉडल जो है वो देश अपनाएगा, आज अपनाना पड़ रहा है, आगे भी देखिएगा सारे चीजों पर जो है हम लोग विस्तार रूप से जो है हम लोगों का रोड मैप तैयार है, उस रोड मैप के हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन के हिसाब से सारी योजनाओं को हम लोग जो है जनता के लिए जो हम लोग योजना ला रहे हैं उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट हम लोग कराएंगे। और ये जनता का राज है, जनता का सरकार है, और इस पहल को जो है हम लोग पूरे ईमानदारी से हम लोग निभाने का काम करेंगे, ताकि हम लोगों का कुछ कमी जो है वो छूटे ना। तो आप सब लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, हम जितने भी स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी हैं उनको भी तहे दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों ने भी जो है सारी चीज़ों को देखने का काम किया है और समय पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो शुरू किया। इसके लिए आपके जितने अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के जितने अधिकारी हैं, मुख्य सचिव जी हों, दीपक जी हों, सभी लोगों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। और इसी तरीके से हम लोग काम करते रहेंगे, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। कुछ लोगों को झूठा प्रचार कर दे दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ लोग बोलते हैं फल्ला राज आ गया, फल्ला राज आ गया। अब आप समझिए, अगर जहां लाखों में नौकरियां लोगों को मिल रही है तो जंगल राज है, और जहां नहीं मिल रही कौन सा राज है। तो ये सारी बात जो है लोगों को समझना पड़ेगा। आगे तरह तरह का षड्यंत्र होगा, साजिश होगी, लेकिन उसकी परवाह हम लोग नहीं करते। हम लोगों का विश्वास केवल काम में है, हम लोग अपना काम करेंगे, किसी को कुछ बोलने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आगे स्वास्थ्य विभाग में भी बड़े पैमाने पे हम लोग व्यवस्था कराने हैं, दवाओं की उपलब्ध हो। अभी 60-60 डे का मिशन हम लोगों ने शुरू किया है, अब तो रिव्यू हम लोग फिर करेंगे उस चीजों को, तो सारी चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जितने लोगों को दल नियुक्ति पत्र मिली है, उन सभी कर्मचारियों को हम तहे दिल से आप लोगों को बधाई देते हैं।
और जितने लोग यहाँ यहाँ हॉल में उपस्थित हैं उन सबको दिवाली और छठ की शुभकामनाएं। सभी के परिवार वालों को हम देना चाहते हैं और अपने बात को यही समाप्त करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय बिहार। कि इस तरह से काम होगा और हम तो तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं कि वो केवल बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि बिहार के लीडर हैं, हमारे गार्जियन हैं और उनके नेतृत्व में हम लोग और उनके संरक्षण में जो हम लोगों ने वादा किया था उसको हम लोग मिलकर के पूरा कर रहे हैं। और जहां भी जरूरत होती है सलाह की या बिहार को एक नया रास्ता दिखाना होता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की जनता का सेवा करने से पीछे नहीं हटते, हमेशा आगे खड़े रहते हैं। और आप कल्पना कीजिए, साथ ही साथ आज दो मेडिकल कॉलेज अस्पताल का बेगूसराय और बक्सर में ये सौगात भी लोगों को दिया है, आज इसका शिलान्यास हुआ है और लगभग 224 करोड़ का कई योजनाओं का माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। हर चीज पर हम लोगों का ध्यान है, माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक चीज बारीकी से सारी चीजों को देख रहे हैं और हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को ये जिम्मेवारी दी है कि बिहार के हर एक जिला में मेडिकल कॉलेज से अस्पताल खोला जाए। तो आप समझ सकते हैं जितना मेडिकल कॉलेज खुलेगा कितना काम लोगों को मिलेगा, रोजगार मिलेगा। जितना कॉलेज खुलेगा अस्पताल खुलेगा उतने तादाद में हम लोगों को नौकरियां भी देनी पड़ेगी और तरह तरह की नौकरियां हैं स्वास्थ्य विभाग में। और ये एक बड़ा पहल है, एक दूरदर्शिता जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिखाया है। हम सब लोगों को जो है इनको धन्यवाद देना चाहिए और लगातार हम लोगों को समय समय पे हमेशा हमारे विभाग को गाइडलाइन दिखाना हो, समर्थन करना हो, इनका हमेशा पूरा सपोर्ट मिलता है। और आप सब लोगों को हम पहले भी कहे थे कि बिहार मॉडल जो नौकरी देने वाला जो बिहार का मॉडल है, जो नीतीश कुमार जी का महागठबंधन का मॉडल है, उसको देश अपनाने का काम करेगा। आप सोचिए हम लोग सरकार बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी नियुक्ति पत्र बांटने लगे। अब सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी कल जो है 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।